नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बलदेव में आज ततोरा में आलू पार्क के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में जब भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने जब फरह पर NSTO को जाम करने की धमकी दी तो आनन फानन में प्रशासन के अधिकारी SDM महावन कृष्णानंद तिवारी, CO महावन रविकांत परासर मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और 5 दिन में किसानों की समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन दिया। किसानों से वार्ता कर मामले को सुलझाने का प्रस्ताव रखा। करीब 1 घंटे चले वार्ता के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने, NGO वाइल्ड लाइफ SOS के द्वारा किए जा रहे किसानों की जमीन को हथियाने, खरीद फरोख्त की जाँच किए जाने का आश्वासन दिया। भाकियू अंग के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जल्द ही इस भालू पार्क के खिलाफ जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व प्रधान नवल सिंह ने कहा कि SOS संस्था के लोगों ने किसानों को बरगलाने का काम शुरू किया हुआ है। स्थानीय किसानों को भूमिहीन बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है। विरोध करने पर FIR करा के मुंह बंद करा दिया जाता है। जिला प्रशासन भी संस्था के साथ मिला हुआ है। भाकियू के पूर्व प्रधान हरिपाल सिंह ने बताया कि SOS संस्था के ततौरा बांगर में 6 एकड़ जमीन को अवैध रूप से जबरन कब्जाया गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन को किसानों की सुनवाई करनी चाहिए। जिला संयोजक उदयवीर सिंह सरपंच ने संस्था के कृत्यों की आलोचना करते हुए चेतावनी दी, किसी भी संस्था या बाहरी व्यक्ति द्वारा किसानों की जमीनों को नहीं हथियाने दिया जाएगा। वहीं अवैध रूप से किसानों को बरगला कर हथियाई गई खेती की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। क्या रहा पूरा पूरा ये रहा, बालू पार्क है कोई, वहाँ एक हाथी पार्क है, उन्होंने गुंडागिरी चला रखी है। नंबर 2 का पैसा इकट्ठे करके संगठन से लाते हैं, किसानों को गुमराह करके एक रामनामा बहरामा एग्रीमेंट करके नाटक बना रहा क्यों है। काऊ देता है खर्चा, काऊ ना देता ही। अच्छा, फिर कोई किसान आवाज उठावे तो भाई खिलाफ मुकदमा, लुट्टे कर दिया, थाने ने बंद करा देते। इसको लेके महापंचायत थी आज, SDM साहब CO साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा वापस लिया जाएगा, जो निर्दोष है उनको बरी किया जाएगा। बाकी अब मेहता की तरफ से आगे क्या तैयारियां रहेंगी? 10 तारीख को फरे में कोई टोल टैक्स वामा गुंडई है रही है, सुनिए मने महुआ पे बाको ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे तरीके से। माँ धरना प्रदर्शन हो और इस कालीन धरना चलेगा और जब तक मुकदमा वापस न होंगे ये बालू पार्क भाई गुंडा सेंटर में नांगे कोई एक धीरेन्द्र धीरेन्द्र गुंडा पनवारी को डरा लो, जब तक खिलाफ मुकदमा लिखेगा जी गुंडा सेंटर में नांगे, जब तक भरे टोल पे दमदारी ते अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा। 10 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी कर देंगे पूरी रूप से। अगर प्रशासन आपकी बातों को मान लेता है तो फिर भी आप धरना प्रदर्शन करेंगे? प्रशासन कहे मानो, प्रशासन मान जाओ 10 महीना से मैं गाजीपुर में का तेल लगा रहे, प्रशासन मान कह रहे हो हमें मार के मानेगा। आज SDM महावर ने आश्वासन दिया है कि किसानों की मांग पूरी की जाएंगी और किसानों की जो जमीन है उसे वहाँ से भालू पार्क से अलग कराया जाएगा, तो उसके बाद क्या करोगे? फिर जिंदाबाद बोलेंगे, हमारे काम है तो करा देंगे, इनकी जिंदाबाद बोलेंगे हम तो कल से ही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भालू पार्क के नाम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का वो चल रहा है। अरे वो हाथी में बाबा जी पारो करते, गामन में मांगो करते, उन पर छुड़ाए लाए और जात संस्था बना के नैया, कोई शाहरुख खान कोई अमजद खान कोई कछु और दाम उगवा के ला के नैया पेटन भर रहे, करोड़पति बनने माठिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह NGO जो है, SSO जो NGO है, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। दो है तीन माम बहुत बड़े पे, एक तो वो नाम है बाको का नाम बाबा, हमने सुना है कोई स्टार है सोनिया गांधी की लड़की बता दे मेनका जन का नाम है ना, वो प्रियंका वो हमने सुना है कोई मेनका गांधी है, बाने कोई संस्था बना रखी हाथी ने बाबा जी ने छुड़ा ला और मैं पार्क बना के दाम इकट्ठे करके मैं पारो और किसान ने चूतिया बनाए ऊंठा लगवा लो ऐसे बुना आजकल जन्म पिक्चर। मेरा नाम धर्मजीत सिंह है जी। कहाँ से हो? नगला वल्ला से जी। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सर कि जो ये मतलब ये हाथी फार्म वाले ने जब जमीन खरीदी है उसमें मेरी जो थोड़ी सी जमीन है वो उसी की हद में मैंने आज तक न किसी को बेचा है और न इसको एग्रीमेंट किया है। क्या कर लिया है इन्होंने? इन्होंने उसको अपनी हद में घेर लिया है, तार फेंसिंग करा दी, तार फेंसिंग करा ली है। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हमें अपनी जमीन चाहिए ये चाहते हैं।
धन्यवाद दिया जा रहा था, क्या क्या मांगे थी, क्या था? आज श्री राजकुमार तोमर जी के नेतृत्व में यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता द्वारा जो धरना दिया गया, उसमें हम सीएम साहब बताए साहब भी आए हुए हैं। आप सबकी जो भी मांग थी और जिस संबंध में शिकायत की गई थी, एक जो यहाँ पे एनजीओ काम कर रहा है उसके कागजात लेते हुए आप लोगों का पक्ष जो प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसका अध्ययन करके जो भी विधिक कार्रवाई और हो सकती है उसमें। सर किसानों ने ये भी आरोप लगाया है जो एनजीओ ने तार फेंसिंग की है उसमें 6 एकड़ जमीन किसानों की जबरदस्ती एनजीओ ने घेर रखी है और इस जिसमें कोई भी किसानों ने एग्रीमेंट किया है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी आपके द्वारा? उसी प्रपत्र सभी किसानों से वो प्रपत्र मांग लिए गए हैं कि क्या उन्होंने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट किन शर्तों पर किया है। उन शर्तों के विहीन अगर उससे अलग एनजीओ द्वारा कोई शिकायत है तो उसके बारे में भी जो विधिक कार्रवाई होगी एनजीओ के खिलाफ की जाएगी। सर कुछ किसानों का ये भी आरोप है कि 30% पैसे देकर एग्रीमेंट किया गया है और जबकि उनकी जमीन घेर ली गई है, जबकि बैलेट रजिस्ट्रार का कहना है कि अगर 100% जमीन की कीमत दी गई है उसके बाद ही वह जमीन घेर सकता है। तो सर इन देखिए रजिस्टर्ड जो भी एग्रीमेंट होते हैं उसका क्षेत्र अधिकार दीवानी न्यायालय का होता है जिसको लागू कराना या उसका खंडन करना, फिर भी हम अपने स्तर से रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हम जांच कर ले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।